अगला क्वेश्चन देखो, सी लेस देन वन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, देन द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी, है ना, बी किस रेंज में लाई कर रहा है ये पूछा है। अब कंसिस्टेंट है पहली बात, दूसरी बात आपने एक चीज नोटिस करी, ये एक्स वाई में है, किसमें है, ये एक्स वाई में, यानी तीन इक्वेशन है, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब क्या है, कॉनकरेंट होंगी, ये क्या होंगी, कॉनकरेंट होंगी, कॉनकरेंट का मतलब समझते हो, यानी कि सेम पॉइंट से पास हो रही होंगी, तभी तो कंसिस्टेंट होंगी, तभी तो मतलब इनका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको जो आसान वाली दिख रही हो, है ना, जैसे हमें पहली और दूसरी दिख रही है थोड़ी सी, पहली और दूसरी को क्या करो, ले लो और वहां से x एंड y की वैल्यू निकाल दो। तो आप क्या करो, जैसे हमें पहली वाली इक्वेशन दिख रही है कि x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और यहाँ पे हमें देख रहा है 2x माइनस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, c। तो आप दोनों को ऐड करते तो हमें 3x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c प्लस 1 मिल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, c प्लस 1 अपॉन 3 मिल जाएगी, c प्लस 1 अपॉन 3। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो y तो हमें पता है, y कितना है, 1 माइनस x है, इस इक्वेशन से देखो ना, y की वैल्यू 1 माइनस x है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू फिर से पटक दो यहां से, तो c प्लस 1 अपॉन 3, तो आप देखोगे कि 3 माइनस c माइनस 1, यानी कि 2 माइनस c अपॉन 3, ये y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक, 3 माइनस सही है ना, आई थिंक ये तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनको क्या करो, तीसरी इक्वेशन में रख दो, तीसरी इक्वेशन जैसे ये वाली है ना, इसको चलो जैसे मान लो कि ये तीसरी इक्वेशन है, ये क्या है, तीसरी वाली है, और इसको फर्स्ट मान रखा है पढ़ने, और इसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। तो मैं चलो वो लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो ऐसा है अगर, तो हम क्या करें, उसको उसमें पुट कर दो, तीसरी इक्वेशन में रखो, ये तीसरी इक्वेशन में, तो हमारे पास कितना है, माइनस का बी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, सी प्लस 1 अपॉन 3, सी प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस का 3b बाई 3b y, y की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस सी अपॉन 3, 2 माइनस सी अपॉन 3, और माइनस का c इक्वल टू 0, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अंदर कितना, ये तो हट जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, माइनस का bc माइनस का b, ठीक है, माइनस का bc माइनस का b, ठीक है, और ये कितना बचेगा, प्लस का 6b माइनस 3bc माइनस 3c इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है, ओके। अब देखो 3bc और माइनस का bc, तो माइनस का 4bc हो गया पहली बात, और प्लस का 5b हो गया, माइनस का b प्लस का 5b, और माइनस का 3c इक्वल टू 0, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा bc, 5b इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहां से 5b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4b प्लस 3 टाइम्स c, नहीं आ गया क्या, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे कितना आएगा, 4bc प्लस 3c, जिसमें c कॉमन ले लिया, तो c की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ गई, 5b अपॉन 4b प्लस 3, ये क्यों निकाली अपन ने, क्योंकि अपने को क्या दे रखा था, एक्चुअली c की वैल्यू दे रखी थी, c लेस देन 1 था, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, तो अगर इतने अटम को अपन लेते हैं, इतने वाली चीज को, तो लेस देन 1 है तो इसको इधर लाओ, अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना रह गया, मतलब 5b माइनस 1 को इधर लाओगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4b माइनस 3 अपॉन कितना मिल गया अपने पास, 4b प्लस 3, और इधर लेस देन 0 आ गया, ऊपर आप देख रहे हो कि b माइनस 3 बच गया, नीचे कितना आ रहा है हमारा, 4b प्लस 3 लेस देन 0, बस खत्म, ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है, जिसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, माइनस 3 बाई 4 से लेकर 3 तक, माइनस 3/4 से लेकर 3 तक, तो ये हमारा प्यारा सा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,